इस वक्त मैं हांसी के सेक्टर 6 में हूँ, हुड्डा के सेक्टर 6 कोठी नंबर 34, और एक बड़ी चोरी यहाँ हुई है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पर है, जांच कर रही है। और ये विजय मोदी का मकान है यहाँ। रात को ये बताया जा रहा है कि खिड़की पड़ के लगे पार्षद भी हैं यहाँ के मेरे साथ, विनोद सिंह लसला साहब। कैसे क्या होगा? पहले खिड़की पड़ी है जी, फिर एक गेट तोड़ा है, अंदर से अलमारी खींच के लाई है, बाहर लाकर तोड़ी है जी। अलमारी है जो आप देख रहे हैं, ये अंदर से खींच के लेके आए? नीचे गद्दा रखे जी, परिवार के लोग सो रहे थे जी। ट्रैश हुए कैमरे में, 8-10 बंदे थे वो, 8-10 पर्सन थे वो बंदे कैमरे में ट्रैश हुए ना। यहाँ पे 8-10 बंदे हैं, वो स्कूटी, हाँ गाड़ी भी लेके, स्कूटी भी लेके हैं। वो अपारमंडल के प्रधान भी हैं बजरंग बंसल। बंसल जी, कितने लोग बता रहे हैं को कैमरों में आए होंगे? कैमरे में 6 आदमी कह रहे हैं जी, और इनकी जो ये परिवार सारा एक कमरे में सोया हुआ था, इनकी माँ बुजुर्ग है, वो दूसरे को कमरे में सोई हुई थी। उस कमरे में ये अलमारी रखी थी, चोरों ने वो उस कमरे से अलमारी निकाल करके बाहर ला करके खोली है। इस अलमारी को बाहर खोला है, इसमें सारा सामान सूम निकाल करके, और सामने अपने सतबीर तहल का मकान है, उसमें CCTV में जो कैद है, 6 आदमी कैद है यहाँ से जाते हुए। एक स्कूटी और वो लेके गए हैं, इनकी संजय सिंगला की गाड़ी की चाबी लेके करके गए साथ। वो मतलब बड़े इत्मीनान से चोरी हुई है उसको, जो ये मोदी जी जो जिस कमरे में सोए हुए थे उसको बाहर से कुंडी लगा दी उसके। इनकी माँ जो है बिल्कुल ऐसा ऐसी है, बीमार सी है, वो दूसरे कमरे में सोई हुई थी, उस कमरे में ही अलमारी थी। कुल मिला के ये घर है, घर के अंदर से जो है अलमारी को बाहर निकालते हैं, और ये सामान आप देख सकते हैं, बाहर ही अलमारी तोड़ते हैं, बाहर अलमारी तोड़ के और तसल्ली से इत्मीनान से पूरा खंगालते हैं इसको। हाँ जी, मैं आपको घर के अंदर भी दिखा देता हूँ, जहाँ से लोग ये चोर घुसे हैं, और घुसने के बाद अब घुसे हैं और उसके बाद क्या क्या उन्होंने खंगाला, अलमारियाँ खंगाली हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अलमारी को, इसको भी तोड़ा गया है, ये एक अलमारी है यहाँ तोड़, ये अलमारी यहाँ थी, ये यहाँ अलमारी ये रखी गई थी। माता जी यहाँ पर ये सो रहे थे, माता जी। हाँ जी, ये भी अलमारी को खोला गया और परिवार के लोग इधर सो रहे होंगे इस कमरे में हैं। इनका बाहर से गेट बंद कर दिया गया था और ये भी अलमारी खोली गई है। ये मंदिर का भी गेट खोला गया, कई बार चांदी के और चीज़ें होती हैं वो निकालने के लिए। पूरे मकान को इत्मीनान से खंगाला गया। एक ये अलमारी को तोड़ा और फिर इस गेट से इस अलमारी को निकाल के बाहर ले गए। कुल मिला के बदमाशों को कोई डर नहीं था, बेखौफ तरीके से इस खिड़की से आए। ये रसोई है और ये रसोई की इस खिड़की से ही आए हैं। ये खिड़की तोड़ के, रसोई की खिड़की से तोड़ के ये अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद में उस कमरे में, जैसे मैंने बताया, इस कमरे में माता जी सो रहे थे, वहाँ अलमारी थी और यहाँ परिवार के लोग थे इस कमरे में। इस वक्त काफ़ी सारे लोग यहाँ हुड्डा सेक्टर 6 में इकट्ठा हैं। ये अलमारी आप देख सकते हो, ये कपड़े बाहर निकाले हुए हैं, कंगाल के सारे तमाम जेवरात और सब चीज़ें ले गए हैं। जेवर के ये डिब्बे वगैरह यहाँ पर हैं, ये सारा सामान जो है चोर ले गए। ये ताला भी यहाँ पर है, ये बैग हैं, ये ज्वेलरी के ये तिजोरियाँ हैं। ये देखिए, ये डिब्बे खाली कर गए, यहाँ डिब्बे खाली कर गए, जेवर निकाल के ले गए। विजय जी एक बार थोड़ा सा बताना कैसे कैसे थे आप, क्योंकि आप विजय जी हैं, इनका ही ये घर है। सुबह 3:30 बजे हम उठे हैं जी, हमने दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा नहीं खुला हमारा, तो हम पीछे के दरवाजे से निकल के माता जी के कमरे को दरवाजा खोलना चाहा तो हमें देखा भाई अलमारी नहीं है कमरे के अंदर, लोहे की अलमारी रखी हुई थी गोदरेज की, वो अलमारी नहीं है जी हमारी।
तो मैं फटाफट अपना पीछे की दीवार फांद के पड़ोसी के घर से और बाहर गली में आया। उसके बाद मैंने आके देखा तो बाहर अलमारी बाहर निकाल रखी है और सारा सामान बिखेर रखा है जी। फिर मैंने अंदर कमरे का दरवाज़ा खोला, जाके मेरी मिसेज को बाहर निकाला तो पता लगा घर में चोरी हो गई। अंदाज़ा ये है जी, एक तो हमारे व्हीकल ले गए, दो मोटरसाइकिल है, एक स्कूटी है, इसके अलावा हमारे अपने खानदानी ज्वेलरी थी वो ले गए जी, लगभग 35-40 लाख रुपए, करीब 40 लाख रुपए के करीब हमारी ज्वेलरी थी, सोने चांदी के सिक्के बर्तन, बाकी कुछ कैश वगैरह था 35-40-50 हज़ार रुपये का जो घर खर्चे के लिए रखा होता वो ले गए। मतलब मोटा मोटा 50 लाख के करीब ज्वेलरी का ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। हमारी जो दादा लाई ज्वेलरी थी, पुराने खानदानी हमारे चांदी के सिक्के रखे हुए थे, 100-125 सिक्के के करीब हमारे चांदी के सिक्के थे, और इसके अलावा मतलब हमारी मिसेज के जो सेट वगैरह रखे थे शादी ब्याह में मिले हुए वो थे। बड़ी चोरी है जी, और बड़े मैं देख रहा हूँ सीन सारा, मतलब चोर बड़े बेफिक्र बेखौफ थे, उन्होंने बेखौफ होकर करें जी बिल्कुल आराम से। हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग में चेक किया है, करीब एक घंटा वो गली के अंदर रहे हैं जी खड़े, उन्होंने मतलब तसल्ली से चोरी की है। पुलिस क्या कहती है, पुलिस आ गई थी तुरंत? पुलिस हालांकि तुरंत तो नहीं आई जी, जैसे फोन फान करवाए हैं तो पुलिस आई है, हालांकि कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ में और कह रहे हैं अभी चोर जल्द पकड़ लिए जाएंगे। बाकी तो 112 नंबर पे कॉल किया था जी हमने, लेकिन 112 नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने ये कहा भाई आप है ना नजदीकी थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाओ। मतलब जो दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने 112 शुरू की है सुविधा, उस पे उसके हमने नंबर मिलाने के बाद वो पहले 8 नंबर डायल करने को कहते हैं भाई असिस्टेंट के लिए आप 8 नंबर डायल करो, तो 8 नंबर डायल करते हैं जो लेडीज बोलती हैं, तो उनको मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हमारे मकान में चोरी हो गई, तो उन्होंने ये कहा आप नजदीकी थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाओ। पड़ोस का भी कुछ कह रहे थे, पड़ोस में घुसने का प्रयास किया था आपका? अच्छा, आप संजय जी के बेटे। हमारे घर में भी उन्होंने ग्रिल तोड़ी, अंदर गए वो, उन्होंने हमारे थोड़ी मेरी वाइफ थोड़ी जाग गई तो इन वजह से वो चले गए, पर वो गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी भी उन्होंने स्टार्ट करके देखी मेरी, गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही, अब गाड़ी उनसे चालू नहीं हुई तो फिर वो यहाँ इस घर में गए। हमें ऐसा लगता है पहले हमारे आए थे फिर इस घर में गए थे। यहाँ पे हमारी यहाँ पे निशान है यहाँ पे जाने का उनका, ये देखो ये निशान है मिट्टी जैसे लगी हुई है, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये। अच्छा, ये ग्रिल आपकी है? ये यहाँ भी ग्रिल तोड़ी गई, एक्चुअली में ये संजय सिंगला का मकान है यहाँ समाज सेवी और उद्योगपति, ये बराबर में जो है ना विजय मोदी का मकान है, तो पहले ये माना जा रहा है कि इस घर में घुसे हमारे घर में घुसे, हमारी ग्रिल तोड़ी है, अंदर गए है, फिर उन्होंने हमारे फ्रिज के ऊपर गाड़ी की चाबी पड़ी थी वो गाड़ी की चाबी लेके आए है, फ्रूट की टोकरी अंदर पड़ी थी। सेम मॉडल से ब्रांडी है कि भाई यहाँ भी खिड़की तोड़ी गई है रसोई की, वहाँ भी रसोई की तोड़ी गई है, ये यहाँ की ये ग्रिल है ये तोड़ा है यहाँ, और अंदर भी घुसे हैं जैसे बताया कि उन्होंने चाबी ले गए अंदर से, चाबी ले गए गाड़ी की, गाड़ी ऑटोमेटिक की वजह से उन्हें चली नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो वो गाड़ी की चाबी भी साथ ले गए और गाड़ी अब खुली पड़ी है, और यहाँ ये हमारी बाहर रखी थी, अरे वॉशिंग मशीन की तैयारी थी उन्होंने सारी खोल ली थी, वॉशिंग मशीन भी खोल रखी है उन्होंने, वॉशिंग मशीन भी उन्होंने सारी खोल के लेके जा रहे थे पर लेके नहीं जा पाए भारी होने की वजह से। शेखर की वाइफ उठी है, उसने आवाज लगाई है फिर वो भागे है। पहले इस मकान में, पहले इस मकान में घुसे हैं लोग और उसके बाद में आगे गए हैं। ये वॉशिंग मशीन उनके पास, ये पहले खुली है। गाड़ी हो सकती है इनके पास, एक गाड़ी पाएगी जिसमें सारा सामान लाद के लेके गए है, पूरा चोरी नहीं है ये, डकैती है ये पूरा गिरोह है 6 से 8 आदमियों का, वो दोनों मकानों में एक साथ घुसे, हो सकता है दोनों मकानों में एक साथ घुसे है, फिर हमारी बेटी जागी है वो यहाँ से तो निकल गए, फिर साथ वाले रूम में गए, नींद खुल गई तो यहाँ से चोर निकल गए और बराबर वाले मकान में चले गए। तस्वीरें इस वक्त हांसी की, ये बड़ी चोरी है हांसी के सेक्टर 6 में 34 नंबर कोठी है वहाँ की, ये चोरी है। व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं बंजल जी, क्या कहोगे, मतलब बहुत बड़ी चोरी है तो पुलिस जी, डकैती है ये डकैती है, सरेआम दरवाजे के अंदर रोक कर, कमरे के अंदर रोक करके मालिक को,
और एक ऐसा है महिला के कमरे में से अलमारी उठा करके बाहर ले आकर के डाल के उसमें सामान निकाल रहा है, डकैती है, चोरी नहीं है। तो हमारी तो प्रशासन से ये मांग है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और चोरी बरामद की जाए। रामोतार ताइल भी है व्यापारी नेता अनाज मंडी से, आपके मंडी भी साथ ही लगती है सर ताइल साहब, चोरियाँ होने लगी बड़ी बड़ी? चोरी तो छोटी मोटी तो सर्वेस जी रोज हो रही थी, लेकिन ये चोरी नहीं, प्रधान जी ने कहा जैसे, ये तो सरासर डकैती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूँ आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें और जितना भी माल ये चोरी हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी बरामदगी कराएं, ताकि जो है व्यापारियों का और आम नागरिक का प्रशासन पर भरोसा कायम रहे। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें क्या लगता है कहाँ से किधर से आए हैं चोर, कहाँ गए, कुछ पता लगा? सीसीटीवी फुटेज में तो 6 लोग दिख रहे हैं, मेरा अनुमान है 6 से भी ज्यादा होंगे, कुछ साइड में खड़े होंगे। यहाँ बराबर में संजय सिंगला का मकान था पहले, तो उसमें गए हैं, वहाँ बिटिया को थोड़ी आवाज आई तो वो बाहर आ गए और अंदर से जो है इस बराबर वाले मकान में गए हैं और वहाँ से जो है ग्रिल तोड़ी रसोई की और वहाँ से अंदर एंटर करके लास्ट वाले कमरे में गए हैं। कितने बजे दिख रहा है ये फुटेज में टाइम नजर आ रहा हो तो? ये 1:15 आसपास आए और 2:25-30 पे निकले हैं, मतलब 1.5 घंटे से इत्मीनान से चोरी की है। इत्मीनान से चोरी क्या, डकैती की है। जो विजय जी की मतलब प्लान था बच्चों के लिए, जितना उन्होंने ज्वेलरी और जो रख रखा था वो सारा ले गए, तो ये तो बहुत बड़ी जो है डकैती है और इसको तुरंत से तुरंत बरामद किया जाए, नहीं तो जो है व्यापारी आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस भी यहाँ पर आई है, कमलेश गर्ग भी है। कमलेश गर्ग साहब, चोरी तो बड़ी है जी, तो कोई पुलिस से कोई मांग? पुलिस से तो पूरी उम्मीद है जी, क्योंकि इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया है तो मोबाइल जल्दी से जल्दी ट्रेस करके उन तक पहुँचा जा सकता है। और हाँ, स्कूटी और मोटरसाइकिल भी ले गए हैं, ये मेरा छोटा भाई है ये। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि वो ट्रेस करके जल्दी से जल्दी मोबाइल से और इनको गिरफ्तार करे ताकि आगे चोरियों पे रोक लगे जी। पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस भी जैसे आई थी, कोई कुली उनको कोई मिला हो, अभी भी खड़ी है पुलिस? उनको यही पता लगा कि मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, तो मोबाइल एक बड़ा सोर्स हो सकता है उनको पकड़ने का, उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ये मेरी प्रशासन से पुरजोर मांग है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी चोरी, इसको आप कहेंगे 50 लाख से ज़्यादा की चोरी है और जो खानदानी पुश्तैनी जो जेवर थे सभी ले गए हैं, बच्चों की शादियों के लिए रखे हुए थे और अलमारी को बाहर निकाल के बड़ी तसल्ली से चोरी उन्होंने की, अलमारी को तोड़ के और सारा पूरा मकान खंगाल के। ये सेक्टर 6 के काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हैं इस वक्त मौके पर, पुलिस भी हमने आपको दिखाया था कि पुलिस मौके पर आई थी और जानकारी जुटा रहे हैं, तो फोन का डंप निकाला जाएगा, पूछ लेते हैं पुलिस से भी, बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब इंचार्ज साहब है क्या? अंदर सीसीटीवी देखने गए, फुटेज देख रहे? सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है इस मकान में, सीसीटीवी लगे हुए थे कैमरे, आपको सीसीटीवी की फुटेज आपको भी दिखाते हैं इससे पता लगे। नमस्ते, किधर है भाई साहब? आ रही ताहिल साहब, मैं खेल लेके आया था ताहिल साहब, लाइव है। हमारे सीसीटीवी में 2:32 के ऊपर 3 लड़के भागते हुए गए हैं और 3 लड़के जो हैं वो एक बाइक के ऊपर, एक स्कूटी के ऊपर और एक बाद में फिर पैदल ये आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पुलिस इस वक्त सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है, फुटेज खंगाल रही है। क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा है, अब ये
विकास जी, सीसीटीवी से कोई हेल्प मिली है क्या? देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, टाइम तो है इसमें। कुल मिला के आने जाने का वक्त सीसीटीवी फुटेज से पता लग जाएगा। 2:37 पे आए हैं, वापसी गए हैं, और आने का वक्त क्या है बता रहे हैं? 4 मिनट जो पीछे है अपन, मतलब समय से 4 मिनट पीछे। हाँ, तो उसमें 2:40 लगा दो सर। हाँ, जाने का टाइम 36:37 हो गए। कुल मिला के सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ आने और जाने का वक्त पता लगेगा, क्योंकि रात का वक्त था, तस्वीरें साफ नहीं थी, इसलिए सिर्फ आने और जाने का वक्त यहाँ से पुलिस को पता लग सकता है। ये चोरी की जो वारदात हुई है, उसके पड़ोस में मकान है सतबीर ताहिल का, वहाँ ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस यहाँ आ चुकी है। आप अपने कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी को कोई सुराग लगे तो पता लगे तो बताएं, क्योंकि 2 व्हीकल भी चुरा के लेके गए हैं, स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल है। कार को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कार चुरा नहीं पाए, उनसे चली नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था उनसे शायद, वो उनको पता नहीं था उसके फंक्शनिंग का, इसलिए कार रह गई। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चोरों का पता लगे। आप देखते रहे एक पद पोस्ट।